चल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग महत्तम शक्ति प्रमेय के बारे में जानेंगे कि आखिर महत्तम शक्ति प्रमेय मैक्सिमम पावर आपका थ्योरम होता क्या है। मैक्सिमम पावर थ्योरम के बारे में हम लोग जानेंगे, महत्तम शक्ति प्रमेय होती क्या है, इसका सत्यापन कैसे करते हैं, इस बात पर फोकस करते हैं। देखो, महत्तम शक्ति प्रमेय क्या होता है कि जब किसी बैटरी द्वारा कोई परिपथ बनाई जाती है, बैटरी के सहारे, देखिएगा, जब किसी परिपथ के सहारे कोई परिपथ बनाई जाती है तो उसकी शक्ति महत्तम होने के लिए होता क्या है कि जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो बाह्य प्रतिरोध के बराबर होता है। कि जब किसी परिपथ का जो बाह्य प्रतिरोध आर है, ये बाह्य प्रतिरोध यहाँ पर ही है और आंतरिक प्रतिरोध आपका आर है, तो जब किसी परिपथ का, जब किसी बैटरी के द्वारा, देखिए वो बैटरी है, यहाँ पर दो तीन और सेल लगा देंगे तो बैटरी बन जाएगा, तो जब किसी बैटरी द्वारा बनाया गया परिपथ, परिपथ में जो बाह्य प्रतिरोध होता है वो आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होनी चाहिए, तब जाकर वो क्या कहलाएगा, महत्तम शक्ति प्रमेय कहलाएगा। अर्थात यहाँ पर जो बाह्य प्रतिरोध है वो आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा, इसी शर्त को हम लोग क्या बोलते हैं, महत्तम शक्ति प्रमेय कहते हैं। यानी आर आपका बाह्य प्रतिरोध होगा, कैपिटल आर, और ये स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध हो गया। तो जब बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इस शर्त को हम लोग कहते हैं महत्तम शक्ति प्रमेय, मैक्सिमम पावर थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो समझिए अब इसको सत्यापन कैसे करेंगे। डिफिनेशन पहले क्लियर करें, महत्तम शक्ति प्रमेय है क्या, तो ध्यान दीजिए, महत्तम शक्ति प्रमेय क्या है, मैक्सिमम पावर थ्योरम है क्या। तो जब किसी बैटरी के द्वारा बनाया गया परिपथ, जब किसी बैटरी के द्वारा बनाया गया परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के, या बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होते हैं, तो इसी शर्त को हम लोग मैक्सिमम पावर थ्योरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब देखो, जो घर के अंदर व्यक्ति है, जो घर के बाहर व्यक्ति है, दोनों सेम कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि घर के अंदर जो औरतें होती है चुपचाप बैठा रहती है, सब नहीं, वो भी काम दाम करते रहती है, उनको जो काम है, जो घर के बाहर पुरुष होता है वो भी अपना काम दाम करते रहते हैं। तो दोनों सेम कंडीशन, सेम एकदम काम कर रहे हैं, उनका कुछ और काम, इनका कुछ और काम। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस करिए, ऐसा तो वही है कि जो बाहर वाला प्रतिरोध है वो आंतरिक वाले प्रतिरोध के, अंदर वाले प्रतिरोध के बराबर है, इसी शर्त को हम लोग क्या कहेंगे, महत्तम शक्ति प्रमेय कहते हैं। अब देखो, ये जो परिपथ में क्या है कि जैसे ही बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित करी जा रही है, देखिए जैसे ही बैटरी के द्वारा क्या करी जाए, धारा प्रवाहित करी जा रही है, तो यहाँ पर इसकी महत्तम जो शक्ति होगी, मतलब यहाँ पर जो शक्ति उत्पन्न होती है, जो पावर उत्पन्न होती है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो शक्ति उत्पन्न होती है वो है पी बराबर आई स्क्वायर आर। यहाँ पर जो शक्ति, सूत्र होता है शक्ति का, आई स्क्वायर बटे आर, इस पर जो है आप फोकस करिएगा ध्यान से। ठीक है, चलिए, तो जैसे ही आप बैटरी के सारे धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर जो शक्ति होती है, जो पावर आती है, वो आपका पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है। अब देखो, आपको ओम का नियम पढ़ा दिया गया कि भी बराबर आई आर होता है, यहाँ से आई का मान निकालेंगे तो आर इधर लाएंगे तो भी बटा हो जाएगा, आर बराबर हो गया आई। भी क्या होता है, विभवांतर। तो महत्तम शक्ति प्रमेय में विभवांतर के जगह पर ई एम एफ उठाया जाता है। ई एम एफ का मतलब समझे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल, दोनों सेम ही होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है ना, यहाँ बैटरी के सारे परिपथ बनाया गया, सेल के सारे परिपथ बनाया गया है, तो विभवांतर के जवाब पर विद्युत वाहक बल उठाएंगे, और ये प्रतिरोध है बटा में, आपका प्रतिरोध आपका बटा में, तो यहाँ पर टोटल प्रतिरोध उठा लेंगे, आंतरिक और बाह्य दोनों को जोड़ देंगे, तो लिख देंगे आपको कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर हो जाएगा आई। यानी यहाँ से आई का मान निकल जाएगा विद्युत वाहक बल बटा बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, ये आई का मान। यहाँ से ओम का नियम पढ़ाए थे आपको, वी बराबर आई आर होता है, आई का मान निकाले वी बटा आर हो गया, वी क्या है तो आपका विभवांतर है, और तो विभवांतर क्या हो गया, तो जब ये जो विभवांतर होता है विद्युत वाहक बल के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि सेल के लिए आप विद्युत वाहक बल ही यूज करते हैं, विभवांतर के जगह पर यहाँ पर सेल है, यहाँ पर विद्युत वाहक बल यूज करेंगे, तो भी के लिए विद्युत वाहक बल और आर ये प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध के लिए यहाँ पर जो भी प्रतिरोध है टोटल सबको जोड़ देंगे, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी आई का जो मान है वो यहाँ पर सिग्मा आप बटा उठा सकते हैं, मतलब ई एम एफ आप बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहाँ पर इस क्रिया को आगे बढ़ाते हैं, पी बराबर आई के जगह पर रख देंगे हम यही वाला वैल्यू, यही वाला मतलब ई एम एफ आप बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का दी होल स्क्वायर जाए, क्योंकि आई का मान हो गया आई टू आर है, तो आर ये ई स्क्वायर को बाहर खींच लेंगे इधर, ठीक है ना, पी बराबर ई स्क्वायर को बाहर खींच लेंगे, तो ई स्क्वायर या आर अंदर चलाएगा, तो आर आप बटा हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का दी होल स्क्वायर, ये शक्ति हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर जो भी शक्ति है, शक्ति थी, शक्ति का मैं मान निकाल लिया, अब शक्ति को महत्तम दिखाना है, पावर को महत्तम दिखाना है, मैक्सिमम पावर थ्योरम। ठीक है ना, तो ये शक्ति के महत्तम होने के लिए क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल का मान जीरो लेकर चलेंगे। चलिए यहाँ पर लिखेंगे महत्तम होने के लिए, किसके महत्तम होने के लिए, शक्ति के महत्तम होने के लिए, महत्तम
होने के लिए, मातम होने के लिए शक्ति का जो मान है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी डीपी बटा डीआर का जो मान हो जाएगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है ना, कैपिटल आर के सापेक्ष कर रहे हैं यहाँ पर बाय प्रतिरोध। तो जो यहाँ पर शक्ति के मातम होने के लिए डीपी बटा डीआर का मान आपका जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है डी को छोड़ देते हैं, आप पी के जगह पर मान रख देते हैं, पी के जगह पर मान आपका ये वाला है, पी के जगह पर मान जो वो पुट करते हैं, फोकस करिए जहाँ से यहाँ पर डी है, तो डी आइए पी के जगह पर मान है ई का स्क्वायर इंटू आर बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का दी होल स्क्वायर बटा हो गया आपका डी आर, यही ना आपका डी के डी जो करते छोड़ दिए, अब पी तो पी का मान निकाल चुके रख दिए, उसके बाद बटा डी आर, डी आर बराबर कितना है जीरो है तो जीरो। अब देखिए डिफेंशियल आपको करने आती है ना, अवकलज करने आती है ना, अवकलज कर देंगे यू बटे वी पर इसको ब्रेक कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए जरा हम लोग साइड में यहाँ पर ब्रेक करते हैं, ठीक है अभी तक फोकस करने कर दी फोकस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो मैथ की चीज़ है, कुछ बेसिक बातें हैं उसको जानना जरूरी होता है। यहाँ पर डिफेंशियल की बातें यदि नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा। ये ई स्क्वायर आपका क्या है, तो अचर का काम करेगा यहाँ पर, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ई स्क्वायर आपका यहाँ से बाहर निकल जा रहा है, ई स्क्वायर आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यू बटे वी पर इसका डिफेंशियल करेंगे, तो वी को पहले खींच लेंगे बाहर, ठीक है ना। वी को क्या करेंगे, पहले हम लोग बाहर खींच लेंगे, क्या करेंगे पहले यहाँ पर बाहर खींच लेंगे, उसके बाद इसका डिफेंशियल करेंगे, ताकि आपको इसकी जो बेसिक बातें हैं सब आपको बेटर से समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पर हम लोग खींच लेते हैं, ये नीचे वाला ऊपर वाले को यू मान लेंगे, नीचे वाले को भी मान लेंगे, तो इसको बाहर खींच रहे हैं, आर प्लस आर के दी होल स्क्वायर को बाहर खींच रहे हैं, तब हमें किसका डिफेंसल कर देना पड़ेगा, ऊपर वाले का, तो डी आर हो जाएगा ऊपर, ये आपका होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कर रहा हूँ मैं, कि जो नीचे वाला वैल्यू इसको बाहर खींच ले रहा हूँ, तो ऊपर वाले का डिफेंसल करेंगे तो डी आर बटा हो जाएगा डी आर। मतलब देखो नीचे वाले को बाहर खींचेंगे तो ऊपर वाले का डिफेंशियल फिर आपको घटाव देना पड़ेगा, ठीक है। अब ऊपर वाले को बाहर खींच लेते हैं, ऊपर वाले को बाहर खींचेंगे तो नीचे वाले का डिफेंशियल करना पड़ेगा, डी आर प्लस आर का डी होल स्क्वायर अब बटा हो जाएगा डी आर, अब बराबर क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो गया ई का स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का दी होल स्क्वायर डी आर, डी आर कटिस होगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पर वन, ठीक है, माइनस आर। यहाँ पर देखो जैसे ही डिफेंशियल पावर का करते हैं तो पावर पहले चला आता है, तो यहाँ पर टू पहले चलाएगा एक घट भी जाता है, टू इधर चलाएगा एक घट जाएगा, तो आर प्लस आर हो गया बराबर कितना हो गया जीरो। अब यहाँ पर फोकस करता है, देखिए जो ई स्क्वायर था ना ये दोनों के लिए था, तो ई स्क्वायर गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो यहाँ बचेगा सिर्फ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का दी होल स्क्वायर, वन से गुना करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, घटाओ यहाँ हो जाएगा टू आर इन टू हो गया आर प्लस आर, अब बराबर जीरो बटा ई का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आर प्लस आर का दी होल स्क्वायर ये आपका पूरा जीरो हो जाएगा, इसको इस साइड लेकर चले आते हैं, तो टू आर इन टू आर प्लस आर हो गया। अब फोकस करेंगे जरा से, ये r प्लस आर इधर गुना में इधर कहाँ चलाएगा, बटा में ला देते हैं, r प्लस आर का दी होल स्क्वायर बटा में चलाएगा r प्लस आर, अब बराबर हो गया टू आर, ठीक है। हाई r प्लस आर से एक r प्लस आर कटिस हो जाएगा, तो बचेगा r प्लस आर बराबर हो गया टू आर। यहाँ पर क्या करते हैं कि स्मॉल r को छोड़ते हैं, इधर टू आर है आपका टू आर, प्लस आर प्लस कैपिटल आर को इधर लाएंगे तो माइनस कैपिटल आर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एगो स्मॉल आर, दो गो आर में से एक आर घटा देंगे तो एगो कैपिटल आर बच जाएगा, इसलिए ये आर बराबर कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर हो गया। यही शर्त हमें लाना था, बताया थे ना कि जो बाह्य प्रतिरोध होगा वो आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होनी चाहिए, यदि आ जाएगा तो ये जो शर्त होगा वो कहलाएगा महत्तम शक्ति प्रमेय। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बातें यहाँ पर, कि मैंने ये देखा कि बैटरी के द्वारा जो परिपथ बना दिया गया, तो बैटरी के द्वारा बनाए गए परिपथ में जो बाह्य प्रतिरोध होगा वो आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होनी चाहिए, तो इसी शर्त को हम लोग मैक्सिमम पावर थ्योरम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने इसमें जैसे ही सेल के सारे धारा प्रवाहित किया, तो यहाँ पर जो इसकी टोटल शक्ति है वो निकालना चाहे, शक्ति को पी से सूचित करते हैं, पी बराबर आई स्क्वायर बटा आर, आई का मान आई का सूत्र था वी बटे आर, तो यहाँ पर सेल के द्वारा आया तो इसलिए वी के जगह पर ये मतलब ई एम एफ विद्युत वाहक बल उठाएंगे, और बटा आर होता है तो आर के जगह पर टोटल यहाँ पर प्रतिरोध उठा लिए जोड़कर, स्क्वायर तो स्क्वायर इंटू आर। अब मैंने क्या किया, ई का स्क्वायर करके इसको बाहर खींच लिया, जो बाहर आपका ये आर है इसको ऊपर कर दिया, आर बटे इतना हो गया। अब शक्ति के महत्तम होने के लिए डी पी बटा डी आर पावर का मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसका वन जीरो लेकर चल दिया, पी का मान है पुट कर दिए और यू इंटू वी पर ब्रेक कर दिए, ऊपर वाले को यू और नीचे वाले को वी मान लिए। देखो कैसे डिफेंसल में सूत्र लगाते हैं, मान लो यू बटे वी है, इसका डिफेंसल आपको एक्स का सापेक्ष करना है, तो पहले वी वाले को बाहर खींचेंगे तो यू का डिफेंसल करेंगे डी यू बटा डी एक्स, घटावे 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 क्या करेंगे
घटावे आपका हो जाएगा, घटावे आपका हो जाएगा यहाँ पर डी वी बट, अभी वी को बाहर खींचे थे तो यू का डिफेंसल, अब यू को बाहर खींचेंगे तो वी का डिफेंसल, डी यू, यू को बाहर खींचे तो वी का डिफेंसल, डी वी बटा डी एक्स होता है, और इसका होल बटा होता है नीचे वाले का स्क्वायर यानी वी का स्क्वायर, यहाँ पर भी छोड़ दिया गया, जैसे ही डिफेंसल हुआ था इसका बटा में आपका चलेगा, बटा में चलेगा नीचे क्या है तो ये आर प्लस आर का दी होल स्क्वायर है, तो ये चलेगा आर प्लस आर का स्क्वायर का दी होल स्क्वायर चलेगा, नीचे वाले का स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी वही होगा, या यहाँ पर डायरेक्ट क्रिया करें कि r प्लस आर का स्क्वायर है, इसका दी होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। होता सूत्र है कि जो नीचे है भी है तो भी का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर क्या r प्लस आर का स्क्वायर है तो r प्लस आर के स्क्वायर करेंगे। अब ध्यान दो कि आपका इधर भगा में इधर ला देंगे तो गुना में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा r प्लस स्मॉल r का पावर फोर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर r प्लस आर का दी होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर दोनों पावर कितना हो जाएगा चार हो जाएगा, आज जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, यहाँ पर ई एम एफ जोन था ये स्क्वायर था इसको इधर ला, मतलब इधर गुना में था इधर ला दिए बटा में, तो यहाँ पर बटा में लिखने से कोई फायदा नहीं था लेकिन लिख दिया गया, फिर भी सूत्र होता है ना यू बटे भी का, जो नीचे वाला भी होता है उसका स्क्वायर, तो यहाँ पर आर प्लस आर का स्क्वायर है तो यहाँ पर आर प्लस आर के स्क्वायर का दी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो आपके भागा में इधर चलाएगा गुना में तो गुना में ला दिया गया, ये आपका जीरो से गुना करेंगे टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगा यहाँ पर, और जो ई का स्क्वायर था इसको इधर बटा में आ गया, क्रिया कर दिया गया, आंसर आ गया। इसी सूत्र का आपको प्रयोग करना है, यू बटे भी का डिफरेंशियल रहेगा तो भी को बाहर खींचेंगे यू का डिफरेंशियल, यू को बाहर खींचेंगे भी का डिफरेंशियल, और जो नीचे वाला वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देना है, तो आपका देखिए क्रिया करने के बाद आ गया कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर, ठीक है। तो ये शर्त आ जाएगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं महत्तम शक्ति प्रमेय। एक बार और समझिए, महत्तम शक्ति प्रमेय किसे कहते हैं, मैक्सिमम पावर थ्योरम किसे कहते हैं, तो जब किसी बैटरी के द्वारा बनाए गए परिपथ में बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होते हैं तो इस शर्त को हम लोग महत्तम शक्ति प्रमेय कहते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रमेय कैसे साबित करना है ये भी बातें आप बेटर से समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।